अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। बिजली विभाग की लापरवाही से भौरी के शिव कुमार की जान गई। ग्राम प्रधान का कहना है कि शिव कुमार अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसका परिवार बहुत ही गरीब है। नाई की दुकान चल करके वो हेयर कटिंग की दुकान से अपना घर का खर्च चलाता था। इस समस्या को बिजली विभाग को उन्होंने कई बार पहले भी अवगत कराया। इससे पहले भी कई गाय मर चुकी हैं वहाँ उस खंभे से लगकर। कैसे करंट आ गया था, क्या कर रहे थे वहाँ पे? करंट कुछ कर नहीं रहे थे, दुकान में थे अपने, दुकान से बाथरूम करने जा रहा था रोड के उस पास। रोड के इस पर वो खंभा है तो उस खंभे में बस जस्ट बगल से निकला, बस उसी में करंट लग गया। इससे पहले भी कोई घटना घटी उस खंभे से? उसके पहले की तो उस तरह कोई जानकारी नहीं है। तो बिजली विभाग के लोग कहाँ पहुँचे? गाय कहीं मरी, गाय कहीं अंधा। बिजली विभाग की लापरवाही से ऐसा काम हुआ। बिजली विभाग की लापरवाही से इस तरह के कई केस हो चुके हैं और बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहा इस विषय में। इस विषय में बिजली विभाग को अवगत कराया जाए कि सारे खम्भे जो है दुरुस्त कराए गए, कहीं भी दुर्घटना हो उसे दुर्घटना से बचाया जाए और इसको जो है उचित मुआवजा भी गवर्नमेंट से दिलाया जाए। लाइनमैन ने फिर आके ठीक किया जब गाय में, तो ठीक किया हो या भगवान जाने उसकी, मुझे जाकर मैं अपने को जानता हूँ तो मैं उसको जानता हूँ। नहीं जब पहले से हादसे हो रहे थे तो जानकारी तो दी होगी ना बिजली विभाग को, जानकारी जो थी पहले से। मैडम ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरी ग्राम सभा भवनी में चल के देखिए कि छत में लोगों का छत में जाना मुश्किल है। बिल्कुल छत से सटी हुई हाई टेंशन लाइनें गई हुई हैं, 11,000 की लाइनें गई हुई हैं। इसके बारे में मैंने कई बार शासन विभाग को अवगत भी कराया कि मेरे गांव की लाइनें चेंज कर दिया जाए। और वहां पे आज आज़ादी के 70 साल हो गए और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन चलिए मेरे गांव में कहता हूं कि अभी भी लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं। तो अब जो शिव कुमार की मौत बिजली से ही हुई है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, किस तरह की मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग करेंगे इनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। अकेला भाई कमाने खाने वाला था, एक भाई इनका विकलांग है। भौरी गांव में शिव कुमार की मौत हो गई है करंट लगने से, तो उसमें क्या किया गया है बिजली विभाग से? अभी हम वही पता करवा रहे हैं, पूरा सबकी चेक करवा रहे हैं जी। फिलहाल हम वही लोकेशन ले रहे हैं। बिजली विभाग की तरफ से बिजली की लग के किरण से उसकी मौत हुई है तो क्या होगा, क्या मुआवजा दिया जाएगा? देखिए अभी तो फिलहाल हम उसके लिए एक फॉर्म 44 रहता है, फिलहाल तो हमारा तरफ से वो भरा जाना होता है, विभाग के सभी लोगों को जानकारी देना होता है। तो अभी हम उसका फॉर्म 44 भरवा कर हम भिजवाएंगे। फिलहाल जो मुआवजे वाली बात है वो तो फिर उससे आगे जो भी होता है।